नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। और दूध के ऊपर जो GST लगाया गया है 5% जो रेस करके, तो एक बहुत बड़ा सरासर अन्याय है, जुल्म है इंडिया के आवाम के ऊपर। तो इसके खिलाफ पूरे इंडिया में आज SDPI की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई के मार से पूरी जनता थकती जा रही है। फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए था कि महंगाई को कम करे, और गवर्नमेंट ने क्या किया, महंगाई को कम करने के बजाय जो भी अपना कर्ज का लोड था वो जो है हमारे आवाम के ऊपर, हमारे पब्लिक के ऊपर डाला है। जैसे कि GST को क्या है 5% GST राइस के ऊपर लागू करके, जो कि एक बेसिक नीड है, हर गरीब अमीर और VIP की हर एक की बेसिक नीड है। तो हमारा यही एक मुतालबा है कि ये GST जो लगाया गया है इसे वापस लें, और जिस तरह की अभी तंगी इंडिया में आ रही है खाने पीने को लेकर या फिर जॉब्स को लेकर, तो उसका अगर हम रेशियो देखेंगे कि इंडिया में 30% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं और 55% जो लोग हैं मिडिल क्लास में जी रहे हैं। तो ये जो 5% GST जो इफेक्ट होने वाला है, टोटल 85% लोगों के ऊपर, इंडिया की जो आबादी है उसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है। VIP VVIP को इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनको तो क्या है, बड़े बड़े 5-स्टार होटल में रहने की जो उनकी कैपेसिटी है, उनके पास बहुत सारा जो गोलमाल किया हुआ माल है उसके ऊपर वो कैसे भी अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। मगर ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट 85% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उन्हें इफेक्ट करने वाली चीज है, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उसी के साथ जिस चीजों पे फ्री करना चाहिए उसको नहीं फ्री करते हुए इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट है कश्मीर फाइल जैसे मूवीज को फ्री ऑफ टैक्स करके लोगों में दिखाती है, जबकि वो एक भाईचारे को तोड़ने वाली फिल्म है। वैसे जगह पे 73 करोड़ तक का टैक्स ये लोग माफ कर सकते हैं। तो जब 5% की बात आती है तो हर यहाँ के शहरियत को क्यों माफ नहीं किया जा रहा है, एक हमारा एक सवाल है। और उसी के साथ जिस तरह के हालात अभी इंडिया में बने हैं जब से गवर्नमेंट आई है पिछले 8 साल में, अगर आप देखेंगे नोटबंदी से लेकर के अब तक के जो हालात है, इंडिया को सिर्फ डिग्रेड ही करते गए हैं। इंडिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडिया को सिर्फ क्या है, अभी इंडिया का जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 164th पर अभी इंडिया रैंकिंग में आ चुका है, जबकि इकोनॉमिक फोरम बोलता है कि पिछले 10 साल पीछे इंडिया जो है 48th रैंक पर था। तो इस लेवल पर अब इंडिया आ चुका है। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है कि हमें आवाम को भी क्या है इसमें अपना एफर्ट लगाना है, आवाम को भी सामने आना है, आवाम सामने आकर गवर्नमेंट से सवाल करना है, गवर्नमेंट को पूछना है कि आज से 10 साल पहले जो महंगाई नहीं थी, आज से 10 साल पहले जो सिचुएशन नहीं थी, वो सिचुएशन आप ये यहाँ तक लेकर कर रहे हैं, तो इसका समाधान जब अब आप ही हमें करके दो करके बोलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जो हमारी बोलने की आज़ादी है वो भी हमसे छीन ली जाएगी। तो हम ऐसे ही क्या है मुंह बंद करके अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे। तो इस तरह का जो एक एट्रोसिटी पब्लिक के ऊपर चल रहा है, कुछ भी बोलने वालों के ऊपर केसेस डाल के, कुछ भी करने वालों के ऊपर केसेस डाल के, जितने भी जो है सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं उनके घर को बुलडोज करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति जो है सरासर क्या है, गलत राजनीति है। जिस तरह से हमारे विवेक अग्निहोत्री साहब ने कश्मीर फाइल्स बनाई है, उनसे ये भी कह सकते हैं कि इंडियन फाइल्स के ऊपर भी एक मूवी बना दे, जो कि है इसमें पूरी सच्चाई है, हर एक इंसान इसका गवाह है, सबूत है, जो सच्चाई है वो सच्चाई क्या है लोगों के सामने लाए। जो कश्मीरी पंडित के बारे में इन्होंने बताया था, ये मैक्सिमम इसमें जो स्टोरी फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, तो इस स्टोरी को क्या है इन्होंने एक हकीकत बना के 245 करोड़ का बिजनेस तो इन्होंने कर लिया, वो भी फ्री ऑफ टैक्स करके। तो आने वाले दिनों में इस तरह के हालात ना हो, इस तरह से और देश बर्बाद ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पब्लिक को, आवाम को सामने आना चाहिए, अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, सवाल पूछना हमारा हक है, ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा हक है, तो हमारे हक को हक की तरह इस्तेमाल करना है। बस यही अपनी मैं बात करके खत्म करता हूँ। आमिर साहब आजादी।